इंदौर जैसे डेवलप्ड शहर में साइबर क्राइम की घटनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं। यहां बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट किए जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब एक 70 साल की महिला को ट्राई के अधिकारी बनकर 5 दिनों तक हाउस अरेस्ट रखे जाने की शिकायत क्राइम ब्रांच को की गई। इस दौरान ठगों ने महिला से 46 लाख रूपये की ठगी को अंजाम भी दिया। इंदौर शहर में अक्टूबर महीने में ही डिजिटल हाउस अरेस्ट का यह तीसरा मामला है। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को ट्राई का अधिकारी बनकर धमकाया और कहा कि उनके फोन नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है। फिर सीबीआई और क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर उन्हें 5 दिन तक डराते रहे। महिला इतनी सहम गई कि उसने ठग जैसे बोल रहे थे वैसा ही करते गई। अब क्राइम ब्रांच ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ही आरआर कैट के वैज्ञानिक से भी 71 लाख की ठगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडौतिया ने बताया कि फिलहाल आरोपियों ने जिन अलग अलग खातों में राशि ट्रांसफर करवाई है उनकी जानकारी निकालकर खातों को सरेंडर करवाया जा रहा है। ब्रांच में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया जिसमें एफआईआर की गई है। फरियादी ने पहले 1930 पर कंप्लेंट की थी, उसके बाद फिर यहाँ पर क्राइम ब्रांच एफआईआर की गई है। उसको 5 दिन का डिजिटल अरेस्ट रखा, उसके बीच बीच में उसको फ्री भी किया गया था और उसको ट्राई के ऑफिसर बन के फोन किया गया था। उसके बाद सीबीआई का ऑफिसर बन के इस पर से एफआईआर रजिस्टर की गई है। इस पर 3 अकाउंट में पैसा गया है, वो आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं।